हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं या राष्ट्रीय उद्यान है या पक्षी विहार है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो पीसीएस से रिलेटेड हो या यूपी टीईटी से रिलेटेड, मतलब लो से और अपर जितना भी एग्ज़ाम्स है ये ज़रूर आता है। इसी के लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर जो वीडियो में नए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें हम लोग इस वीडियो में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य क्या है, उस मीनिंग क्या है, उसको किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है पहले इसे समझेंगे। इसके बाद वह कहाँ पर उनकी स्थापना हुई, किस वर्ष हुई और किस जिले में स्थापित है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो अच्छे से लर्न हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है वन्य जीव अभयारण्य, इसे हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या है इसे समझते हैं। वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है तो देखते हैं। अभयारण्य का अर्थ है अभय और अरण्य, अरण्य यानी कि जंगल और अभय मतलब बिना किसी भय के जानवर जहाँ पे रहते हैं ऐसा अरण्य या वन अभयारण्य कहलाता है। यहाँ पर सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा, जो कि सरकारी ही संस्थान होती है, वहाँ पर संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार होते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। और नेशनल पार्क किसे कहते हैं इसे देखते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यानी कि नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में एक ही है, इस वे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र या पार्क होते हैं जिनमें वनस्पतियों और जीवों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है, मतलब वहाँ पे मानव का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वर्जित होता है। उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पॉइंट के रूप में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जो राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो केवल एक है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है बाघ और गैंडे दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में अभी चार टाइगर रिजर्व हैं जिसमें सबसे पहला आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो 1988 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए अब इन दोनों में अंतर क्या है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में, तो वन्य जीव अभयारण्य है वो मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है, यानी कि वहाँ पे आप अपने मवेशी को ले जाके चरा सकते हैं या थोड़े बहुत लकड़ी के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्क में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। आप वहाँ पर मवेशी नहीं ले जा सकते हैं, ना शिकार करने जा सकते हैं और ना ही वहाँ से आप लोग लकड़ियाँ ला सकते हैं। एक अभयारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है, हालांकि चराई और मवेशी की आवाजाही की अनुमति होती है। वहाँ पे कुछ लोग जाकर के, मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं वो रह भी सकते हैं उसके आसपास के एरिया में, लेकिन जबकि राष्ट्रीय उद्यान अगर जो हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे शिकार और चराई पूरी तरीके से निषिद्ध है। चलिए अब आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 वन्य जीव अभयारण्य हैं जिसमें से 13 पक्षी अभयारण्य हैं और बाकी जो 11 बचते हैं वो आपके मतलब पशु वन्य जीव विहार है। साथ ही साथ यहाँ पर चार टाइगर रिजर्व है और 3 राज्य प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर भी है, इसके बारे में हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें पहला आता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर जितना दिया गया है ना सनवाइज है, मतलब सबसे पहले इसी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी तो वो थी चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में, चंदौली बनारस के पास पड़ता है तो यहाँ पर है। यहाँ पर प्राकृतिक आवास और झरने बहुत ही अच्छे हैं, पिकनिक स्पॉट है चंदौली। इसकी स्थापना 1957 में ही हो गई थी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्य, ये क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है तो वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, और यह है कहाँ पर तो ये चंदौली में स्थित है, चंदौली बनारस के पास है, वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है किशन वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है क्वेश्चन आता है, किशनपुर वन्य जीव विहार तो ये लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। चंद्रप्रभा जो सबसे पुराना है 1957 में और किशनपुर 1972 में। कतरनिया वन्य जीव विहार है ये बहराइच में है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, चाहे वो मिलान वाले में पूछा हो सूची दे करके मिलान करने को, या फिर उनके स्थापना वर्ष से मिलान करने को या स्थान से मिलान करने को आता है। कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार सबसे नया टाइगर रिजर्व जो कि 2022 में घोषित किया गया था वो रानीपुर वन्यजीव विहार है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह बांदा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और यह टाइगर रिजर्व बना है 22। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, यह ललितपुर में है, स्थापना हुई थी इसकी भी 1977 में और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो महावीर स्वामी अभयारण्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर यानी कि 5.5 वर्ग किलोमीटर ही है लगभग। चंबल वन्यजीव विहार यह कहाँ पर है, यह आगरा और इटावा में स्थित है। चंबल वन्यजीव विहार ये दो जिलों के बीच में है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव विहार, यह है मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र, आप लोग मैप पढ़े होंगे तो कैमूर की पहाड़ियाँ उसी तरफ हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इसी के लिए कैमूर वन्यजीव विहार नाम पड़ा है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, चूँकि ये कैमूर नामक पहाड़ी है और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र पहाड़ी एरिया है तो इससे रिलेट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर जो कि दिल्ली के पास का एरिया है तो आप लोग ध्यान ही रखेंगे, मेरठ मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर इन तीन राज्यों में है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगर जो पूछा जाए पूछा भी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। चलिए आगे है सुहागी बरवा भी लिखा हुआ आता है, आप लोग उसको करिएगा। यह महाराजगंज में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके बारे में आपको बताते चले, जो सुहागी बरवा या सुहगी बरवा वन्यजीव विहार है इसको टाइगर के लिए बफर जोन भी घोषित कर दिया गया है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है सुहेल देव वन्यजीव विहार, तो सुहेल देव वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो यह बहराइच और गोंडा दो जिलों में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। लास्ट है कछुआ वन्यजीव विहार, यह कहाँ पर है, यह वाराणसी में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और यह कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, स्थापना है 1989 में। अब पक्षी अभयारण्य के बारे में देखते चलते हैं। पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 13 पक्षी विहार की स्थापना की गई है, जबकि और भी ज़्यादा हैं लेकिन अभी 13 पक्षी विहार की स्थापना आप लोग पढ़िए, जो इस प्रकार से हैं। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, अच्छा कुछ पक्षी विहार को रामसर स्थल भी घोषित किया गया है तो उसको भी मैंने इसी में पॉइंट आउट किया हुआ है, आप लोग देखते चलिए। नवाबगंज पक्षी विहार और इसमें से कुछ पक्षी विहार जो छूट जाते हैं वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में MCQ करेंगे तो उसको उसमें सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि उसको रामसर स्थल घोषित किया गया है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के रामसर स्थल के उसमें, तो उससे रिलेटेड या तो अलग वीडियो बना देंगे नहीं तो आप लोग MCQ में जाकर के उसके बारे में कुछ भी चीज़ छूटने नहीं पाएगा, सब चीज़ कवर किया जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार ये रामसर स्थल घोषित किया गया है 2019 में, जिला है उन्नाव में और स्थापना वर्ष है 1986 में और इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है 2019 में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, नवाब लोगों को नाव से घूमने का बहुत शौक होता है तो इसलिए उन्नाव और नवाबगंज आप लोग इसे रिलेट करके ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आंसर को रिलेट करके किसी भी चीज़ से आप लोगों को जो याद करेंगे तो एक ट्रिक भी बन जाएगा और अच्छे से याद भी रहेगा। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, स्थापना वर्ष है 1887, इसको याद रखिएगा, समस्तपुर पक्षी विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है नवाबगंज और समस्तपुर। साथ ही साथ लाख बहोशी पक्षी विहार ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कन्नौज में स्थित है। लाख बहोशी कन्नौज इत्र की नगरी करते हैं जो मदहोश कर देती है, इस तरीके से आप लोग याद करके लाख बहोशी कन्नौज मदहोश कर देती है इस तरीके से आप लोग कोई ना कोई ट्रिक बना करके याद करिए। लाख बहोशी पक्षी विहार जिला कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष है 1987। साथ ही साथ चौथा है हम लोग देखते हैं सांडी पक्षी विहार, यह रामसर स्थल घोषित किया गया है 2019 में नवाबगंज के साथ ही, जिला हरदोई में पड़ता है, स्थापना वर्ष है 1990। इसके साथ साथ
पांचवा देखते हैं हम, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा लिखा हुआ कहीं कहीं बखीरा भी आता है, बखीरा दोनों। ये संत कबीर नगर में, कबीरा और बखीरा तो संत कबीर नगर, आप लोग इससे रिलेट करिए कबीरा और बखीरा। यह रामसर स्थल 2022 में अभी एकदम नया घोषित किया गया है, स्थापना वर्ष है 1990 में इसे घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना वर्ष है 1990, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। आगे है पार्वती अर्गा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ओखला और पार्वती अर्गा। ये रामसर स्थल भी घोषित किया है 2019 में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं चार पक्षी विहार समन भी है, ये 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल क्या है और भारत में कितने हैं, रामसर स्थल से रिलेटेड एक आप लोगों को वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरे भारत में 75 वेटलैंड है, उन सभी का सनवाइज डाटा आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा आगे वीडियो में। चलिए अभी देखते हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार रामसर स्थल 2019, जिला है गोंडा में और इसका स्थापना वर्ष है 1990 में। समान पक्षी विहार या समन पक्षी विहार, यह भी रामसर स्थल घोषित किया गया है 2019 में, यह है मैनपुरी में। मैनपुरी में समन पक्षी विहार, मैन है यानी कि आदमी, ये सब समान ही दिखते हैं, आदमी मतलब एक कॉमन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आदमी कोई भी हो सकता है, मतलब मेरे फादर चाचा कोई भी, तो ये सब समान ही रहते हैं। तो आदमी मैनपुरी समन पक्षी विहार रामसर स्थल 2019, स्थापना वर्ष 90। मुझे इतना अच्छा ट्रिक बनाने नहीं आता, आप लोग अपने तरीके से ट्रिक बनाया करिए। विजय सागर पक्षी विहार जिला महोबा हमीरपुर, महोबा और हमीरपुर दोनों में है, यह स्थापित हुआ था 1990 में। समन, विजय सागर और पटना, ये सब 1990 में इसको बनाया गया। और महोबा हमीरपुर और पटना पक्षी विहार, पटना राज्य मतलब पटना तो बिहार में पड़ता है, लेकिन पटना और एटा पक्षी, एटा जिला में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्थापना वर्ष 1990 है। 11वां है सुरहा ताल पक्षी विहार, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, अगर एग्जाम में सुरहा ताल ना लिखा रहे, लिखते जयप्रकाश पक्षी, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, बलिया जिला में स्थित है। और इस चीज़ को आप लोग, जहाँ पे ददरी मेला लगता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश और यहाँ के महोत्सव और मेले जो है उसमें मैंने पढ़ाया है, यहीं पर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार स्थित है सुरहा ताल के पास। चलिए स्थापना वर्ष है ये 1991 में। सूर सरोवर पक्षी विहार, और कहीं कहीं आपको सुर सरोवर पक्षी विहार भी लिखा आएगा, ये 2020 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। जिला आगरा में है, स्थापना वर्ष है 1991 यानी कि 1991 में सूर सरोवर पक्षी विहार रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये 1991 में है स्थापित। लास्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेंती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं, जो कि आप लोग अगर जो उत्तर प्रदेश से हैं तो जानते होंगे राजा भैया का यह है बेंती ताल, वहीं पर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार को किया गया है। लगभग 650 एकड़ जमीन में यह स्थित है। प्रतापगढ़ में है, स्थापना वर्ष है 2003। चलिए अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत में कुल कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला है दुधवा, दूसरा पीलीभीत, अमनगढ़, दूसरा अमनगढ़ है और तीसरा है पीलीभीत, और चौथा सबसे नया जो बना है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व, अगर जो पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, तो वो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1987 में बना था। ये बिजनौर जिले का, हम जानते हैं अमानगढ़, बिजनौर जिले का अमानगढ़ या अमनगढ़ है, वो दूसरा टाइगर रिजर्व है, ये 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। पीलीभीत बाघ अभयारण्य के बारे में जानते हैं, तो यह 2014 में पीलीभीत को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। और सबसे नया जो 2022 में घोषित किया गया है, चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, इसे बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने 1977 को, लेकिन इसे बाघ अभयारण्य बनाया गया है 1922। अच्छा, लास्ट में 77 है और इसमें 22 है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
बाघ अभयारण्य के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए अब हम लोग जानते हैं राज्य प्राणी उद्यान या पार्क के बारे में, जिसे चिड़ियाघर भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। राज्य प्राणी उद्यान किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी विज्ञान ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए होते हैं। प्राणी विज्ञान यहाँ पर गलत है, प्राणी उद्यान ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए होते हैं जो वन्य या वन्य क्षेत्रों में जाकर के, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर के जानवरों को नहीं देख सकते हैं। वो हम लोग कहाँ जाकर के देख सकते हैं? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में सुगमता से हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो आप अगर जो ऐसे सेंचुरीज में घूमेंगे तो पूरे दिन घूम करके आप शायद कुछ ही जानवरों को देख सकें। तो यहाँ पर आप बहुत सारे जानवरों को एक ही जगह जाकर के देख और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हैं कौन कौन से? तो ये लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में सबसे नवीन जो बना है ये स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो कि जूलॉजिकल गार्डन भी है, लखनऊ में स्थित है पहला। दूसरा है कानपुर चिड़ियाघर, ये कानपुर में है। और सबसे नया जो है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित चिड़ियाघर है। आगे इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर में एक रात्रि वन्य जीव पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह इस प्रकार विश्व का चौथा व भारत का पहला सेंचुरी है।